नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है और लोन लेते वक्त आपने बैंक को सिक्योरिटी के तौर पे एक कोलैटरल दिया हुआ है। कोलैटरल है आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स। जब आपने लोन रीपे कर दिया है, लोन रीपे करने के बाद जब आप प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स या जो प्रॉपर्टी के पेपर्स है बैंक से आप वापस मांगते हैं, तो बैंक आपको सूचित करता है कि वो जो टाइटल डीड्स हैं वो उनसे खो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, तो आज की जो डिस्कशन है हमारी इसी रिलेशन में है। तो आज की जो डिस्कशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही जरूरी होने वाली है, बिकॉज हम सब लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के लिए लोन लेते हैं। कई बार बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन लेते हैं, कई अपने घर पे रेनोवेशन के लिए लेते हैं, कई बच्चे की एजुकेशन के लिए लेते हैं, कई घर की शादी या किसी दूसरे महत्वपूर्ण ओकेजन को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं। तो इस लोन को लेते वक्त जो आप सिक्योरिटी देते हैं ताकि वो आपकी सेफ रहे, वो सिक्योर रहे, उस चीज के लिए ये डिस्कशन, ये टॉपिक आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, लेट्स टेक अ सिचुएशन जहां पर आपने बैंक से लोन लिया था, आपने बैंक को अपने पेपर्स दिए, टाइटल के पेपर्स दिए एज अ कोलैटरल, और आपने उस लोन को रीपे कर दिया। लोन को रीपे करने के बाद जब आप बैंक से अपने पेपर्स वापस मांगते हैं तो बैंक का एक ऑफिशियल आपको कॉल करता है और कहता है, सर हमने आपके जो पेपर्स हैं वो खो दिए हैं। तो जैसे ही आपको ये कॉल आता है, सबसे पहले आपको जो करना चाहिए, जो ये बैंक ने आपको सूचित किया है ऑन टेलीफोन या वर्बली, या बैंक का किसी ऑफिशियल ने आपको वर्बली अगर सूचित किया है, तो सबसे पहले उनको आप एक लेटर लिखें टू गिव दिस थिंग इन राइटिंग, एक एक्नॉलेजमेंट दें आपको कि उनसे आपके जो पेपर्स हैं, जो कोलैटरल है, जो टाइटल डीड्स हैं, वो उनसे खो गए हैं। बैंक अक्सर कोशिश करेगा कि उन्हें आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है या ये जो स्टेटमेंट है वो राइटिंग में ना देनी पड़े, बट इंश्योर कि आप ये इन्फॉर्मेशन को बैंक से राइटिंग में लें, बिकॉज दिस विल बी योर ओनली प्रूफ टू प्रूव दैट द बैंक हैज मिसप्लेस्ड और लॉस्ट द डॉक्यूमेंट्स। अब मैंने, ध्यान रखिएगा ये, मतलब इसको गौर करिएगा, मैंने जो वर्ड्स यूज किए हैं वो है मिसप्लेस्ड या लॉस्ट। मिसप्लेस्ड का मतलब होता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के पास ही हैं, पर बैंक के किसी डिपार्टमेंट में खो गए हैं और वो बैंक से बाहर कहीं नहीं गए। और लॉस्ट का मतलब है कि वो पेपर्स खो गए हैं, बैंक के पास भी नहीं है। तो बैंक से ये चीज बहुत जरूरी है कि आप उससे सही वर्ड यूज करवाएं, बैंक से जो बैंक की एक्नॉलेजमेंट होगी उसमें आप क्लियरली लिखवाएं वेदर द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन मिसप्लेस्ड, मतलब कि या तो बैंक के अंदर ही कहीं खोए हुए हैं, और वेदर द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन लॉस्ट बाय द बैंक, मतलब कि वो डॉक्यूमेंट्स बैंक से कहीं बाहर जा चुके हैं और बैंक को भी नहीं पता कि वो डॉक्यूमेंट्स कहां पर हैं। इनफैक्ट वो डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास है ही नहीं, दे हैव ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल टू सर्च इट इन द बैंक, बट उनके पास वो नहीं है। तो बहुत ध्यान से ये वर्ड्स आप बैंक से लिखवाइएगा, वेदर दे बीन मिसप्लेस्ड और लॉस्ट। अब बैंक ने आपको राइटिंग में एक्नॉलेजमेंट दे दी कि द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन मिसप्लेस्ड और लॉस्ट एज द केस मे बी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो एक्नॉलेजमेंट लेकर के आपको सीधा जाना है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाकर के आपको एक पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी है इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लेंट। आपको बैंक, आपको ये जो बैंक ने जो पेपर्स आपके खोए हैं, यू नीड टू लॉज अ कंप्लेंट इन द पुलिस स्टेशन स्टेटिंग दैट वी हैड टेकन अ लोन और अगेंस्ट दैट लोन वी हैड गिवन दीज डॉक्यूमेंट्स आर टाइटल डीड्स एज सिक्योरिटी। हमने बैंक को सिक्योरिटी के तौर पे टाइटल डीड्स दिए थे, अब वो खो गए हैं। तो पुलिस आपकी ये कंप्लेंट को लॉज करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि बैंक को आप कहें कि वो ही आपके बिहाफ पे ये कंप्लेंट को लॉज करें। कई बार होता भी है कि बैंक आपके बिहाफ पे कंप्लेंट लॉज करे, बट अगर बैंक आपके बिहाफ पे ये पुलिस कंप्लेंट लॉज नहीं करती है तो आप इंडिविजुअली, बिकॉज इंटरेस्ट इसमें आपका है, जो टाइटल डीड्स को हैं वो आपके हैं, अगर बैंक आपके बिहाफ पे ये नहीं करती कंप्लेंट, तो यू गो योरसेल्फ टू द पुलिस स्टेशन एंड लॉज अ कंप्लेंट ऑफ द टाइटल डीड्स या जो कोलैटरल सिक्योरिटी जो भी होगी ऑफ द बैंक लूजिंग इट। तो दोस्तों, दो स्टेजेस आपने पूरे कर ली, आपने बैंक से एक्नॉलेजमेंट ले ली, आपने पुलिस में आके कंप्लेंट फाइल कर दी। नाउ द थर्ड एंड वेरी सिग्निफिकेंट स्टेज इज कि आप इस इंफॉर्मेशन को कि ये प्रॉपर्टी पेपर्स या जो टाइटल डीड्स हैं या जो भी कोलैटरल है वो बैंक ने खो दिए हैं, इस इंफॉर्मेशन को आप लोकल न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, दो न्यूज़पेपर्स में आप इस इंफॉर्मेशन को जरूर पब्लिश करवाएं, और उसमें ये भी दें कि अगर किसी को ये पेपर्स मिलते हैं तो आपको वो आकर के वापस करें, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप उनको जरूर प्रोवाइड करें। इससे क्या है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ना केवल कंप्लायंस का स्टेप है, बट
इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके वो पेपर्स जेन्युइनली कहीं खो गए हों और किसी को मिल गए हों और वो आकर के आपको ये पेपर्स दे दें. सो आफ्टर एक्नॉलेजमेंट एंड फाइलिंग द कंप्लेंट, द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इस इंफॉर्मेशन को दो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करवाएं. अब ये जो चीज है, ये कोशिश करें, ये जो पब्लिकेशन है ये बैंक ही करवाए, क्योंकि ये गलती बैंक की है. तो आप कोशिश करें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो पब्लिकेशन है इन्फॉर्मेशन की, ये बैंक ही पब्लिश करे. और अगर नहीं करती तो लाइक आई सेड, ये क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, आप इसको पब्लिश करवाएं. डेफिनेटली इसमें खर्चा होगा, 30,000-50,000 रुपए तक का खर्चा हो सकता है पब्लिकेशन का, बट दीज आर एक्सपेंसिस दैट यू कैन एट अ लेटर स्टेज रिकवर फ्रॉम द बैंक. उस स्टेज पे हम अभी आएंगे. बट बैंक अगर पब्लिकेशन नहीं करता आपके बिहाफ पे लोकल न्यूज़पेपर्स में, तो आप ये एडवर्टाइजमेंट या जो इन्फॉर्मेशन है इसे न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करवाएं कि आपके जो प्रॉपर्टी पेपर्स हैं वो खो गए हैं. तो दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करा दी. अब इसके बाद जो आपने करना है वो है कि लोकल जो रजिस्ट्रार है उसके ऑफिस में जाएं, जाकर के जो जो प्रॉपर्टी पेपर्स हैं उसकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करें और उनको एज अ प्रूफ कि ये डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, एज अ प्रूफ आप उनको जो आपने लोकल पुलिस स्टेशन में जो आपने कंप्लेंट फाइल की है और जो आपने जो दो न्यूज़पेपर्स में पब्लिकेशंस करवाई हैं उनकी कॉपीज आप उनको दें और उनके पास अप्लाई करें कि हमें जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो हमसे वो बैंक से खो गए हैं जो हमने कोलैटरल के तौर पे दी थी, एंड देयरफॉर हमें ये जो पेपर जो खो गए इनकी सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड की जाए. और दोस्तों, ये अप्लाई करते वक्त आप ये कोशिश करें कि जो बैंक है, बैंक ही इन चीजों के लिए अप्लाई करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैंक ने खोए हैं, एंड देयरफॉर इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट कि ये बैंक ही आपके बिहाफ पे अप्लाई करें, क्योंकि इसमें जो भी माइनर खर्चा होगा वो गलती बैंक की है तो बैंक को ही बेयर करना चाहिए. सो देयरफॉर यू टेकन एन एक्नॉलेजमेंट, आपने एक्नॉलेजमेंट ले ली बैंक से, उसके बाद आपने कंप्लेंट करी थाने में, उसके बाद आपने न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करी, एंड फाइनली आपने जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपने उसकी जो डॉक्यूमेंट्स खो गए उसकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करा. अब ये सारे स्टेजेस पूरे होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो ये है कि बैंक जो है आपका सर्विस प्रोवाइडर है. बैंक अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, बैंक इज अ सर्विस प्रोवाइडर. अब जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर उसकी सर्विस को प्रोवाइड करने में कुछ डेफिशिएंसी या कुछ कमी रह जाती है, तो एज अ कंज्यूमर यू हैव अ राइट टू गेट कॉम्पेंसेशन. अब बैंक को आपने जो कोलैटरल दिया था, बैंक की ये ड्यूटी थी, बैंक एज अ सर्विस प्रोवाइडर इट वॉज ड्यूटी बाउंड, ये उसका दायित्व था कि उन डॉक्यूमेंट्स को ठीक से प्रोटेक्ट कर पाए करे, और चूंकि बैंक ने नहीं करा, सो देयरफॉर आपकी ये एंटाइटलमेंट है, आपका ये राइट है कि आप बैंक के अगेंस्ट एक कंज्यूमर कंप्लेंट करें और कॉम्पेंसेशन के लिए क्लेम डालें, क्योंकि इस वजह से आपको काफी मेंटल हरासमेंट हुई है, आपको हो सकता है फिजिकल, आपको हो सकता है फाइनेंशियल हरासमेंट या फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हों, क्योंकि जिन प्रॉपर्टीज के पेपर्स खो जाते हैं और उसकी सर्टिफाइड कॉपी पे आप अगर प्रॉपर्टी को आगे बेचना चाहें तो हो सकता है उसकी वैल्यूएशन जो है जो बायर है वो कम लगाए, ये कह करके कि कल की डेट में कोई इस प्रॉपर्टी को क्लेम करने आ जाए या किसी दूसरे तरीके का कोई कानूनी उलझन में वो फंस जाए. सो देयरफॉर आप बैंक्स के अगेंस्ट, जिस भी बैंक ने आपके पेपर्स खोए हैं, आप उनके अगेंस्ट कॉम्पेंसेशन का क्लेम भी लगाएं, और उनके अगेंस्ट आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के आप कहें कि आपको तमाम डिफिकल्टीज हुई हैं एंड आपके काफी खर्चे भी हुए हैं, लाइक ये जो ऊपर के जो स्टेजेस हमने आपको बताए, कंप्लेंट करने के, पुलिस के पास पब्लिकेशन कराने के, इन सारे स्टेजेस में आपके खर्चे भी डेफिनेटली हुए होंगे. तो ये सारे जो आपके खर्चे हुए हैं और जो आपको मेंटल एगनी हुई है, इन दोनों चीजों के लिए बैंक से कॉम्पेंसेशन मांगने के लिए आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जाकर के एक कंज्यूमर कंप्लेंट लगा सकते हैं, एंड इन सच केसेस द कंज्यूमर कोर्ट हैज ग्रांटेड कॉम्पेंसेशन टू द कंज्यूमर्स. जो भी कस्टमर्स हैं बैंक के, उनको कंज्यूमर कोर्ट ने कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड की है, ऐसे तमाम जब इंस्टेंसेस घटे हैं. तो दोस्तों, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन. आई होप दैट यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. और अगर आपको लगता है कि इस डिस्कशन से किसी का भी फायदा हो सकता है तो इसे आप शेयर कर दें, क्योंकि इन डिस्कशंस का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो भी लीगल नॉलेज है, जो भी ऐसी जो कानूनी जो इश्यूज हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में टच करती हैं, वो हम सबको पता रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो
वो कहते हैं ना कि हम जितना मर्जी ऊपर चले जाएं पर कानून से हमेशा नीचे ही रहेंगे। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जानें कि कभी भी हम किसी मुसीबत में हों तो कानूनी रास्ता क्या है, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने में कानून तोड़ देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है ताकि हम बचें और ये लीगल जो नॉलेज है वो सब में स्प्रेड हो। द इंटेंशन ऑफ दीज डिस्कशंस ऑफ दीज वीडियोज इज ओनली दैट कि आप सब तक ये जो लीगल नॉलेज है, ये जो लीगल इंफॉर्मेशन है वो पहुंचे। सो विद दैट फ्रेंड्स, आई टेक योर लीव। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।